इस गेट से हमने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया था और अब इसी गेट पे अपनी यात्रा को ख़त्म करते हैं। यहाँ से मैं ऊपर जाता हूँ। बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी और काफ़ी सारी जगह मैं घूमा हूँ। यहाँ पर वैष्णो देवी के साथ साथ भैरव मंदिर और काफ़ी सारे मंदिर घूमा हूँ मैं। सो अब चलते हैं अपने होटल में और रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद मार्केट से कुछ सामान लेंगे। ये होटल है जिसमें हम रुके हैं। अब चलते हैं मार्केट में कुछ खा पी के आ जाए। सो ये है होटल एंड इस होटल में चलते हैं ढाबे में खाना पीना खाने और देखते हैं टेस्ट कैसा है कैसा नहीं एंड आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलो अंदर चलते हैं। अभी जस्ट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, मींस कौन से पराठे खाएं, आलू के गोभी के, देखते हैं आगे। सो हमने डिसाइड किए कुछ आलू के मंगा लेते हैं कुछ गोभी के मंगा लेते हैं। सो बहुत अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी खाना था और साथ में था दही और अचार, बहुत मज़ा आया। मींस इसका जो टेस्ट था बहुत अच्छा था, बहुत स्वाद थे आलू के पराठे। अभी जस्ट खाना पीना खा लिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया और निकलने लगे हम दिल्ली की और अब हम जाएंगे वंदे भारत में। वंदे भारत ट्रेन का नाम है तो आपको कंप्लीट दिखाऊंगा कैसी है क्या फैसिलिटी नहीं। 1620 रुपए की एक बंदे की टिकट है उसकी, उसके अंदर खाना भी है। तो चलो देखते हैं, अब अपने होटल में जाके चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद सामान वगैरह उठा के निकलते हैं स्टेशन की ओर। स्पेशल चीज़ यहाँ पे ये है कि हम किसी भी होटल में रुकते हैं तो होटल की स्पेशल गाड़ी है जो कि आपको स्टेशन तक छोड़ देती है। कुछ होटल में नहीं है, बाकी ज़्यादातर होटल्स में ऐसी चीज़ है। तो चलो चलते हैं, ठीक है, बाकी सामान उठाते हैं और निकलते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हमने चढ़ाई भी पैदल ही करी और आए भी नीचे हम पैदल ही, किसी घोड़े के सहारे से नहीं आए या फिर हम किसी ट्रॉली ने हमने ना हमने कोई ट्रॉली यूज़ करी ना कोई कुछ। भैरव चढ़ाई भी हमने पैदल करी, सारी चढ़ाई पैदल करी और पैदल आ गए हैं। बस थाई वगैरह थोड़ी हैवी हो गई है, लग रहा है कि हाँ भाई मसल्स गेन हो गए। अब आपको वंदे भारत ट्रेन दिखाते हैं कैसी है क्या नहीं, फैसिलिटी क्या है। खैर टिकट मैंने आपको बता दी है, 1620 रुपये की एक पर्सन की टिकट है। जम्मू से 2 बजे चलती है, 2 से 2:30 बजे तक चलती है वो और करेक्ट हमें पहुँचा देती है 10 या 11 बजे रात को। चलो चलें, यहाँ से हमने कुछ की चैन कुछ ब्रेसलेट्स बनवाए और उसके ऊपर अपना नेम लिखवाया। यहाँ का जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है सिर्फ, कोई भी नाम आप लिखवा सकते हो और जैसे जैसे आप ब्रेसलेट लोगे जैसे जैसे आप की चैन लोगे उनका प्राइजेस अलग अलग है। सो मैंने जो बनवाया है 30 रुपीज़ पर ब्रेसलेट पे नेम लिखवाया है। ये पूरी है कटरा मार्केट, यहाँ से सामान वगैरह मिल सकते हैं। देखो ये स्टूडियो है, यहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं क्योंकि अंदर एंट्री नहीं होती तो यहीं से फोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं। और ये शॉप, यहाँ से हम सामान ले रहे हैं अभी। और पीछे से जस्ट यहाँ पे ढाबा है, दिल्ली ढाबा, यहाँ से हमने खाना पीना खाया है, ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट किया है और अभी चले हम अपने स्टेशन की साइड। चलो शॉपिंग सारी डन हो गई है, अब चलते हैं अपने होटल। ये रहा अपना होटल, सामान उठाते हैं। चेकआउट तो खैर कर दिया हमने यहाँ से और सामान उठाते हैं और निकलते हैं स्टेशन की तरफ। दे रहे थे मुझे निकले कह रहे हैं।
ਤੁਸੀਂ 60 ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 80 ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ 60 ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਰੇਟ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲਏ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਚਲਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਮੇ ਆਪਕੋ ਦੂਰ ਸੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ इसमें हम रुके थे फर्स्ट फ्लोर पे एंड चलो चलते हैं चेकआउट करने। चेकआउट तक हो गया, खैर हो गया, अपना सामान सामान ले लेना। तो so, ये हमारा रूम है जहाँ हम रुके थे। चलो चले हैं वापसी। अब हम आ गए हैं स्टेशन, तो थोड़ा पीछे का व्यू देखो कितना कैंट, कितना बढ़िया व्यू है पीछे का, ये सारा पहाड़ है वहाँ तक। ये गाड़ियाँ हैं जो कि होटल से स्टेशन तक छोड़ देती हैं। कुछ होटल्स होते हैं जहाँ नहीं होती, बाकी होती है। यहाँ पे ये स्टेशन है, पहले चलते हैं अपना दिल्ली की ओर। चलो स्टेशन की ओर चलते हैं, बाकी बैक व्यू देखो कितना बढ़िया है। स्टेशन हमारे पीछे, जैसे कि मैं बताया था सारे होटल से गाड़ियाँ छोड़ने आती हैं, और लगभग यहाँ पे गाड़ी आपको वैन ही मिलेगी। ये स्टेशन है और जस्ट ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, बहुत प्यार लग रहे हैं। सो ये स्टेशन है कंप्लीट कटरा का स्टेशन, वहाँ से हमने एंट्री करी है सामने से, यहाँ से चलते हैं मेन गेट। हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा पीछे। ट्रॉली बैग छोड़ दिया था उसके, दौड़ता आ गया, उसके आवाज आ रही। चलो चले दिल्ली वापसी। ये है रेलवे ट्रैक और चलो चलते हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन जम्मू कटरा। अभी स्टेशन में पहुंच चुका है और मैं यहाँ नीचे बैठा हूँ अपनी धरती माता के पास, क्योंकि एक तो धूप आ रही है, सेकंड चीज़ ये कि पैरों को रिलैक्स मिल रहा है क्योंकि चढ़ाई करके आए हैं और आराम से, मतलब पैदल ही आए हैं, हमने कोई घोड़ा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो नीचे आए हैं और अभी पैरों को बड़ा रिलैक्स मिल रहा है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो ये ट्रेन भी जाती है दिल्ली, इस ट्रेन का नाम है क्रांति एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इस ट्रेन का कंप्लीट ये नाम है, नई दिल्ली टू वैष्णो देवी कटरा। और हमारी जो है वंदे भारत है आती है, तो मैं उसको कंप्लीट आपको बताता हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं, कैसे कैसे है। इसके पीछे भी एक ट्रेन थी, उसका नाम नहीं पता मुझे, वो भी दिल्ली गई है, अभी निकल गई है दिल्ली के लिए, शायद मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट नाम क्या उस ट्रेन का, वो जस्ट अभी एक से डेढ़ मिनट पहले निकली है। और ये ट्रेन है, अभी ये ट्रेन मुझे नहीं पता कब चलेगी, पर हाँ मुझे अपनी का पता है, अपनी 3 बजे चलेगी कटरा, दिल्ली टू कटरा, सॉरी कटरा से लेकर दिल्ली तक वंदे भारत 3 बजे यहाँ से चलेगी। हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे उड़ते हैं, वंदे भारत आ गई है। तीन बजे यहाँ से ट्रेन चलेगी और ट्रेन के गेट भी खुल गए हैं, ऑटोमेटिक गेट है, गेट खुल गया, एंट्री के टाइम हम आपको दिखाते हैं। वंदे भारत ट्रेन कुछ ऐसी है अंदर से, सीट्स भी बढ़िया हैं यहाँ की, बाकी हमारी सीट तो यहाँ से 5th नंबर पे ही, 2 सीट से आए और 2 सीट से इधर है, विंडो साइड हमारी नहीं है, इधर की है। ट्रेन आ चुकी है अपने प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 वंदे भारत पीछे आ रखी है। अभी आई थिंक 15 मिनट इनको लगेंगे सफाई में और करेक्ट 3 बजे सबके सब ज़्यादातर बंदे बैठ जाएंगे और 3:30 बजे यहाँ से ट्रेन चल जाएगी और रात को 10:30-11 बजे तक पहुँचा देगी। तो 15 मिनट लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि ट्रेन सफाई होती है, ट्रेन की सफाई होती है, ट्रेन साफ होगी तभी तभी आके पैसेंजर को बिठाएंगे। बाकी सबसे बढ़िया व्यू, और हाँ यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी चलते हैं, और मैंने सुना है कि यहाँ पर 1500 रुपीज़ पर पर्सन
सरप्राइज होता है। वो देखो आपको दिख रहा है हेलीकॉप्टर, वो जा रहा है और ये हेलीपैड यहाँ पे है, यहाँ पे इस साइड है हेलीपैड जो आपको वाइट वाइट से दिख रहा है ना बिल्कुल सेंटर में, यही है हेलीपैड। यहाँ पे सारे हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और यहीं से उड़ रहे हैं। और ये हेलीकॉप्टर मेरे ख्याल से जितना मैं श्योर हूँ ये हेलीकॉप्टर जा रहे हैं वैष्णो देवी भवन के पास। वंदे भारत में एंटर तो कर चुके हैं, अब चलते हैं थोड़ा अंदर का देखते हैं। वॉशरूम्स हैं, देखेंगे अभी बाद में वॉशरूम। सीट्स हैं यहाँ पे, हमारी सीट्स दो इधर हैं और दो इधर हैं, विंडो साइड हमारी नहीं है, बाकी तो दो इधर की हमारी है। हमने ट्रेन थोड़ी चल चुकी है, देखो धीरे धीरे चल रही है अभी। और हाँ यहाँ पे मैं एक आपको आप लोगों को मेन चीज़ बता दूँ, चार्जर पॉइंट आप यहाँ ढूंढोगे पर मिलेगा नहीं। वो मिलेगा कहाँ, यहाँ पे देखो ये नीचे लगे हैं, ये चार्जर पिन है यहाँ पे, ये नीचे लगे हैं चार्जर प्लग हैं, आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो अपना फोन। चलो मैं तो बैठी हुई अपनी सीट पर। चलो स्टेशन से चढ़ने वाले सभी, अब निकल चुके हैं हम वंदे भारत से दिल्ली की ओर। व्यू कितना प्यारा व्यू आ रहा है, थोड़ा सा बाहर से शीशे पे मिट्टी हो रही है, गंदा हो रखा है जिस वजह से क्लियर नहीं आ रहा है, बाकी फोन का कैमरा क्लियर है। हम बाकी देख लो कितना बढ़िया व्यू है। सभी यात्रियों का स्वागत करती है। मुंह में डाल दो सीधी, ये हमने 35 रुपए के लिए है। हाँ ये मैं आपको बता दूँ, ये आइसक्रीम मतलब इसके अंदर ही ट्रेन में ही थे काफ़ी बंदे, ये ट्रेन की तरफ से नहीं है, 35 रुपीज़ की अलग से है। रबड़ी है ना, रबड़ी आइसक्रीम है 35 रुपए की, रबड़ी आइसक्रीम है 35 रुपए की अलग से। इसके अंदर आपको काफ़ी सामान मिलेगा जो कि अलग से भी होगा। क्यों भाई स्वाथी, चल ठीक। एक मैं और चीज़ बता दूँ आपको वंदे भारत की, जब आप बैठोगे कटरा से तो आपको खाली मिलेगी। अभी आप देख सकते हो पीछे सीट्स वगैरह काफ़ी खाली हैं ब्रो। जब आप बैठोगे कटरा से तो काफ़ी सारी सीट्स आपको खाली मिलेंगी, बस कुछ ही गिनती लोग बैठे होंगे ट्रेन में। और जब हम यहाँ से पहुँचते हैं वो व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है, व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। जब आप कटरा से बैठोगे दिल्ली के लिए व्यू कितना अच्छा आ रहा है। जब आप कटरा से दिल्ली के लिए बैठोगे जब आप कटरा से दिल्ली के लिए बैठोगे तो कटरा से जम्मू पहुँचते ट्रेन को लगता है 1 घंटा 20 मिनट, तो आप 1 घंटे 20 मिनट में कहीं भी लेट के जा सकते हो। ये जो लंबी 3 सीट्स हैं इसके लिए आप लेट के जा सकते हो, बट जम्मू जाने के बाद देखते हैं सीट्स कितनी ज़्यादा बढ़ती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलो जम्मू पहुँच के देखते हैं कितनी भीड़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया था व्यू बहुत बहुत प्यारा है, बट कहीं ना कहीं ट्रेन में बाहर से धूल लगी हुई है शीशे पे, इस चक्कर में क्लियर नहीं आ रहा, बाकी व्यू बहुत प्यारा है, बहुत मज़ा आ रहा है। जम्मू तावी में इंडियन ऑयल पेट्रोल की रिफाइनरी है, ये देखो यहाँ आपको दिख रहे होंगे टैंक, छोटे छोटे टैंक्स जो टैंक्स हैं, ये टैंक्स में भर के ऑयल जाता है। और अभी फर्स्ट खाना है, मतलब इसके बाद हमारा असली खाना आएगा। ये थोड़ा है कि थोड़ा
पेट में जाए। लाइक ये सैंडविच है, ये पता नहीं क्या, ये क्या है भाई, ये चॉकलेट कैरेमल पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न चॉकलेट प्लेटेड पॉपकॉर्न। ये स्नैक्स है, स्नैक में ये, रुक जाओ ब्रेक मारो, फेंक दो दोबारा। ये स्नैक्स है और ये एप्पल जूस है, ये मसाला चाय है। अब इसको समझ नहीं आ रहा यूज़ कैसे करें क्योंकि हमारे पास तो कोई डिस्पोजल भी नहीं है। और ये हमारी टमाटो केचप भाई को भी मिला है। सारी रिवर्स हैं बट सूखी हुई हैं, यहाँ पानी रोक रखा है इनका, थोड़ा सा पानी है इसमें, बाकी सारा पानी रोक रखा है। ये भी नदी है, ये भी नदी सूख रखी है, बस इसमें थोड़ा बहुत पानी है और पानी आकर रेड पानी है, ये खासियत है यहाँ की। ये देखो रेड वाटर, रेड वाटर। चलो अंदर ही देख लो फिर। ये बन चुकी है मसाला चाय। यहाँ देखो ये था पाउडर चाय, उस मसाला चाय इंस्टेंट चाय मिक्स, ये बन चुकी है कंप्लीट मसाला चाय। यहाँ तो पानी भी है, ये ज्यादा गहरी नहीं है, मतलब गहरी हाई नहीं, आपको नीचे पत्थर दिख रहे होंगे। मतलब अगर देखा जाए तो ट्रेन से आने में ज़्यादा मज़ा आया, राइट। मैं कार से भी आया हूँ, मैं बस से भी आया हूँ और मैं ट्रेन से भी आया हूँ, बट जब हम ट्रेन से वापसी जा रहे होते हैं तो इतना मज़ा आता है, क्योंकि रात के टाइम में आया था जब मैं आया था, और इस टाइम पे ट्रेन से जा रहा हूँ वापसी, तो मतलब इतनी सारी चीज़ आती है देखने वाली, बहुत मज़ा आता है, लिटरली बहुत मज़ा आता है, सच में बहुत मज़ा आता है। हम जम्मू से आगे आ गए हैं, माधेपुर पंजाब आ चुके हैं, पहला स्टेशन कटरा, सेकंड जम्मू, थर्ड लुधियाना एंड फोर्थ दिल्ली, बाकी स्टेशन पे रुकेंगे तो बात कर देंगे। बरौली, बरौली स्टेशन, एंड अभी हम पहुंच चुके हैं पठानकोट, पठानकोट पंजाब, देखना आगे मैं आपको दिखाऊंगा। एक चीज और बढ़िया लगी मुझे, तो आप यहाँ पे देखो, जैसे आप बैठोगे वंदे भारत में, आपको एक पेपर दिया जाएगा और पेपर कुछ ये है, वैसे तो ये क्लियर शो हो रहा है, आप इसको रीड कर लो, आपका टाइम पास ना हो रहा हो। तो मैंने अभी किया था, यहाँ पे नंबर मैंने डाला, नंबर मैंने ये डाला, इस नंबर में मिस कॉल किया और मेरे पास इस नंबर पे ऑटोमेटेड मैसेज आया, ये सब कुछ आया। इसके बाद कुछ लोगों के, कुछ पैसेंजर्स के रिव्यू हैं, और उसके बाद इनका आया कि स्टार्ट इन्जॉइंग योर एंटरटेनमेंट सर्विस नाउ, क्लिक स्टार्ट माई सर्विस, इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू यूज़ दिस सर्विस क्लिक ऑन हाउ टू यूज़ एंड टू सी वट एंटरटेनमेंट ऑप्शन यू कैन इन्जॉय, क्लिक शो रोजी कंटेंट्स। देन मैंने टाइप किया हाउ स्टार्ट माई सर्विस, प्लीज शेयर योर सीट नंबर, ओनली न्यूमेरिकल बिटवीन 1 to 78 अलाउड। देन मैंने करा और उसके बाद अपना कोच नंबर बताओ, मैंने अपना कोच नंबर भी बताया यहाँ पे, और इस लोकेशन इन योर ट्रेन, कोच नंबर 5 यही है, यस यस। उन्होंने बोला अपना स्टेशन कहाँ तक जा रहा है आपका, मैं कहा दिल्ली, कह रहा ओके ओके। एक पर्सन आएगा, रोजी अटेंडेंट इज़ गोइंग टू कम टू योर सीट शॉर्टली, वी आर एक्सपीरियंस हैवी डिमांड टुडे, काइंडली वी आर विद दिस,
एंड योर एंटरटेनमेंट ऑप्शन, हम एंटरटेनमेंट में क्या क्या देख सकते हैं। वीआर, आपको पता होगा वीआर होता है जिसमें 3D HD दिखता है। खैर मैं अभी एक क्लिप निकालूंगा, आप यहाँ देखो उसमें क्या क्या मेरे को एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया गया है। माता वैष्णो देवी यात्रा, वर्ल्ड्स फर्स्ट 360 VR मूवी ऑन माता वैष्णो देवी, स्काई डाइविंग, स्विमिंग एंड शार्क, सॉरी स्विमिंग विद शार्क्स, ऑसम स्कीइंग, द हॉन्टेड, अमेजिंग वाइल्ड लाइफ, सी सर्फिंग, मोटर स्पोर्ट एंड वी आर एक्सपेंडिशन एंटार्क्टिका, एक्सपेंडिशन माउंट एवरेस्ट। मैं करता हूँ इसको, माता वैष्णो देवी पे टैप करें क्या, या फिर हम टैप करते हैं स्काई डाइविंग पे, स्काई डाइविंग पे टैप करके देखते हैं। थोड़ा इंटरनेट इशू है यहाँ पे। अभी मैंने पूछा था कि खाना अभी आपने जो दिया है प्लेट में, इसमें मीन्स आपने लाइट फूड दिया, हल्का खाना दिया है, और अभी तो हमें आगे खाना मिलेगा ना, उन्होंने कहा था हाँ जी, बट खाए हुए हमने चार बजे खा लिया था वो खाना, और अब टाइम हो चुका है 8:15, तो मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि अभी तक खाना क्यों नहीं आया। 9:30 तक उतार देंगे हमें, मतलब 10:30 हम न्यू दिल्ली पहुँच जाएंगे। न्यू दिल्ली पहुँचने के बाद जस्ट अपने घर को, तो कहीं ना कहीं लगता है डिनर नहीं हो पाएगा यार, बट बिलीव है कि डिनर हो जाए, जिसका इंतज़ार था वो चीज़ आ गई है। देख लो, शाही पनीर, दाल, चावल, दही, आलू की सब्जी, 2 रोटी और यहाँ अचार। ये भाई भी हमें मिले, भैया कहाँ से हो आप? जम्मू से ही हो, चलो बढ़िया है। खाने के बाद आइसक्रीम भी मिली है, राजधानी में हमें वनीला फ्लेवर मिली थी, यहाँ पे बटर स्कॉच अमूल की, वहाँ पे हमें मिली थी मदर डेयरी की वनीला, और यहाँ पे अमूल की बटर स्कॉच। हाँ भाई, खाना कैसा था, वर्थ इट था कि नहीं? वर्थ इट था भाई। और कल वाला, सॉरी परसों वाला उद्दू था भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अच्छा था भाई, वो भी सही था, चल बढ़िया। यहाँ पे वंदे भारत हमें एंटरटेनमेंट सोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए, जैसे कि आप देख सकते हो वीआर हेडसेट प्रोवाइड करवाया है वंदे भारत ने, और ये हमारे भैया हैं जिन्होंने वीआर हेडसेट, और इनकी जो कंपनी का नाम है वो है ब्रूजी, आप चेक कर सकते हो। चीज़ बढ़िया है तभी तो लोग बाग ज़्यादा देखते हैं। अभी दिल्ली हम पहुंच चुके हैं, और अब सारा सामान वगैरह उठा के बस हमें निकलना है स्टेशन पे। सो स्टेशन अभी आया नहीं है, बस थोड़ा सा दूर आ गया, तो सारे के सारे लोग यहाँ पे गेट पे आ चुके हैं। दिल्ली आ गए, आ गए हम अपने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से हम अपनी ट्रेन में चढ़े थे, और वहीं आ गए हैं। तो चलते हैं अपने घर को। सो फाइनली हमारी ट्रिप पूरी हो चुकी है, दिल्ली टू वैष्णो देवी ट्रिप कंप्लीट। और अगर मैं बात करूं ट्रेन्स की, तो आपने देख ली होगी वंदे भारत एंड राजधानी एक्सप्रेस। अगर राजधानी एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा सा भी जानना है, तो इससे पहले के जो 2 पार्ट्स हैं उसको जरूर देखना। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे आपको बिजनेस से रिलेटेड, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोस एंड व्लॉग्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।